स्क्रीन विजिबल है। नील, स्क्रीन विजिबल है बेटा? ठीक यस सर। है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनली। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हमने डीसी से डीसी एनालिसिस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। सिमिलरली हम एसी एनालिसिस में भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बेसिकली वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करते थे, डीसी सर्किट में जनरली हम क्या है, आपके रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते थे, रेजिस्टेंस आर। लेकिन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या सिर्फ चेंजेस हो जाएगा अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन में बात करते हैं, एसी सर्किट्स में अगर बात करते हैं तो जस्ट इम्पीडेंस टर्म चेंज हो जाएगा। और इम्पीडेंस की मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर की है कि इम्पीडेंस इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज फेजर अपॉन करंट फेजर। ठीक है, तो जेड इक्वल टू वी कैपिटल वी अपॉन कैपिटल आई, ये हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया था। ठीक है, बाकी सब सेम कंसेप्ट है। जैसे हम लिखा है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इम्पिडेंस टू अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद एन इम्पिडेंस, और वाइस वर्सा, करंट टू वोल्टेज भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किस टाइप से हमने सर्किट ड्रॉ किया था, थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको। सपोज ये आपके पास क्या है, वोल्टेज सोर्स है एंड दिस इज़ अ इम्पिडेंस जेड एस। फाइनली अगर सपोज आपको पैरेलल करंट सोर्स में ट्रांसफर करना है तो क्या इस टाइप से करते हैं, करंट सोर्स पैरेलल विद द सेम सेम इम्पिडेंस। ठीक है, इस टाइप से हम कन्वर्ट करते थे करंट टू वोल्टेज और वोल्टेज टू करंट सेम। देन वी एस इक्वल टू क्या होता है आपके पास, जेड एस इंटू आई एस। बेसिकली यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है आई एस। ठीक है, आप इसी को हम क्या कर देते हैं, आई एस को हम करंट सोर्स की फॉर्म में ले गए, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, वी एस। ठीक है, इस स्टेप से हम सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हैं करंट टू वोल्टेज और वोल्टेज टू करंट। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, बेस इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। कैलकुलेट वी एक्स इन सर्किट यूजिंग यूजिंग द मेथड ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का सर्किट की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। ये क्लियर है आपको कि एसी सर्किट है, आपको वी एक्स कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इस केस में यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ वोल्टेज विद सीरीज विद अ 5 ओम रेजिस्टेंस। जैसे ही हम यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इसको क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये करंट सोर्स विद अ पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ये कंप्लीट सर्किट हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, करंट सोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वोल्टेज माइनस डिवाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा 5/4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस ऑफ 90 डिग्री। तो बेसिकली ओवरऑल हम इस कंप्लीट सर्किट को, कंप्लीट वोल्टेज सोर्स विद सीरीज विद रेजिस्टेंस 5 ओम रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं करंट सोर्स विद पैरेलल विद 5 ओम रेजिस्टेंस। इससे जैसे ही रिप्लेस कर देंगे देन 5 ओम एंड दिस वन दिस इम्पिडेंस इज इन अ पैरेलल सिचुएशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। फिर पैरेलल जब हम अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन एक आ जाएगा आपके पास, ये कंप्लीट सर्किट जो है इस टाइप से बनेगा। अब हमने इतना सॉल्व कर लिया है तो ये जो कंप्लीट सर्किट है आपके पास, ये कंप्लीट सर्किट किस टाइप से बन जाएगा आपके पास, करंट सोर्स जो कि आपके पास वही है 4 9 माइनस 90 डिग्री एंड इम्पिडेंस सपोज जेड से हमने डिनोट कर दिया, ये इस सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। और इस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जेड की वैल्यू होगी 5 ओम पैरेलल विद 3+j4 ओम। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये सर्किट बन गया है। अब फिर से अगेन आपके पास ये क्या है, करंट पैरेलल विद द इम्पिडेंस, इसमें फिर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इसको कर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो कंप्लीट सर्किट है अगेन आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा,
अब ये कंप्लीट सर्किट को हम किस फॉर्म में कर देंगे, इसी कंप्लीट सर्किट को किस फॉर्म में कर देंगे हम, वोल्टेज सोर्स कुछ वैल्यू आएगी आपके पास जो भी जिस सर्किट से आप करंट करेंगे, एंड इम्पीडेंस, इस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, 5 पैरेलल विथ 3 प्लस J4, एंड देन 4 ओम रेजिस्टेंस, देन ये ओवरऑल कंप्लीट सर्किट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। सपोज दिस इज अ कैपेसिटेंस -J13 ओम, एंड दिस वन इज अ रेजिस्टेंस 10 ओम, एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज Vx। तो फाइनली अब आपके पास ये कंप्लीट से सिंप्लीफाई सर्किट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट हमने एक ही कंसेप्ट अप्लाई किया यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको Vx कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल आप वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना और आपके पास आंसर आ जाएगा Vx, एंड इट्स Vx इज 5.519 एंगल ऑफ -28 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से कंप्लीट सॉल्व करना। किसी को डाउट है इसमें? आरू आरू इसमें तो वोल्टेज, सर इसमें तो वोल्टेज की वैल्यू जो होगी वही वीएक्स की वैल्यू हो जाएगी ना। नहीं बेटा, ये आपके पास ये इम्पीडेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे कैसे हो जाएगी? अगर सपोज ये पैरेलल में यहाँ पर होता, सपोज इस टाइप से, अभी मैं ये क्वेश्चन से हटके यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर सपोज यहाँ पर होता और यहाँ पर वी एक्स लिखता तो आप वी एक्स इक्वल टू वी तब लिख सकते थे, ठीक है? यस सर, यार ओके सर, लेकिन लेकिन यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ओके ओके वोल्टेज सर, आपका के 5 पैरेलल विद यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रहा है, 4 ओम के अकॉर्डिंग भी है, इसके अकॉर्डिंग में, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल निकल लगाना, आप वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके केवीएल भी तो वोल्टेज, लगा सकते हैं ना। हाँ केवीएल भी लगा सकते हो, ओके सर, वो ओके जो भी जिसमें भी आप कन्फर्ट हो। अब यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स, आपको केवीएल भी बताया हमने, केसीएल भी बताया, केसीएल तो यहाँ नहीं लगेगा, नोट नहीं है, मैश अवेलेबल है, यस ठीक है, केवीएल लगाओ, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ, या करंट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करो रेजिस्टेंस से, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, ओके सर, जिस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है, वो सिंप्लीफिकेशन आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है? रफ कर दूं, आरू क्लियर है बेटा? ये आरू कंफर्मेशन दो। हेलो, हाँ हेलो। आरू बेटा क्लियर है कंसेप्ट? हाँ सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट में हम स्विच करते हैं। किसी को कोई डाउट हो कर्नेल, या किसी को भी रंजीत, आप बता सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन है आपके पास, इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। फाइंड आई नॉट इन द सर्किट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपको अब आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर दिख रहा है कि करंट सोर्स पैरेलल विद द इम्पीडेंस, इसको आप वोल्टेज सीरीज विद द रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर देंगे। देन फाइनली वो जो सीरीज विद द रेजिस्टेंस आएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सपोज आपके पास प्लस माइनस वी, एंड दिस इज अ 4 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस इज अ कैपेसिटेंस माइनस का J3 ओम, 4 ओम रेजिस्टेंस, एंड ये वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी इक्वल टू 12 एंगल ऑफ 90 डिग्री इंटू 4 प्लस 4 माइनस J3, ठीक है? तो वो कैलकुलेशन आपको इजी है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट सर्किट रहा होगा 2 ओम, जैसे आपके पास जे जे ओम, ठीक है, J1 है, जे लिख सकते हैं हम जनरली। तो आप ये नोटिस करेंगे दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम इसे सीरीज में ऐड कर देंगे। बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 एंड 2 6, 6 माइनस J3 एंड J, तो 6 माइनस 2 J ओम, ये आपके पास एक इम्पिडेंस आ जाएगा। अब अगेन आप अप्लाई करेंगे इस इम्पिडेंस और वोल्टेज सर्किट के अकॉर्डिंग पैरेलल करंट सोर्स में ट्रांसफर करेंगे, तो ओवरऑल अब आपके पास कंप्लीट सर्किट क्या हो जाएगा। अब आपने किस चीज़ को कवर कर लिया, इतने पोर्शन को कंप्लीट कवर कर लिया, ठीक है? इतने पोर्शन को आपने कंप्लीट कवर कर लिया। जैसे अब इस ये कंप्लीट पोर्शन किस टाइप से आ जाएगा आपके पास, करंट सोर्स, समथिंग करंट सोर्स एंड पैरेलल विद सम इम्पीडेंस जेड, कोई आई करंट सोर्स है, उसके बाद ये आपके पास सर्किट एज इट इज ड्रॉ होगा इस टाइप से, ठीक
J5 ohm and this one is a 1 and this is a capacitance 1 ohm एंड माइनस ऑफ जे टू ओम। इस टाइप से करंट सोर्स अवेलेबल होगा। यहाँ पर आप वोल्टेज डिवाइड करंट सॉरी करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करके आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या नील यहाँ पर हम इस नोड पर केसीएल भी अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी केसीएल। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से, अब ये सिंप्लीफाई हो गया उसको आप सिंपल किसी भी तरीके से, लेकिन हमने किसका क्या मेन मेथड क्या अप्लाई किया, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेट होके आ जाएगा। कर्नेल क्लियर है बेटा? कर्नेल कर्नेल आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, माइक को अनम्यूट करो पहले। हेलो हेलो। हाँ कर्नेल, अब आ रही आवाज, बताओ क्लियर है यस बेटा? सर। हाँ सर। ठीक है, असाइनमेंट सबमिट करो भी फिर सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है थेवनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, एसी हमने डीसी सर्किट में पढ़ लिया, अब हम एसी में देख रहे हैं क्या चेंजेस क्या होते हैं। तो हम इम्पीडेंस की कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करना भी आ गया हमें, कॉम्प्लेक्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स टर्म अगर है तो हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं थेवनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। ये बिल्कुल एज इट इज सेम है डीसी की तरह, तो हम इसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। थेवनिन एंड नॉर्टन थ्योरम्स आर अप्लाई टू एसी सर्किट इन द सेम वे एज दे आर टू डीसी सर्किट। द ओनली एडिशनल एफर्ट अराइजेज फ्रॉम द नीड टू मैनिपुलेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने फर्स्ट टू लेक्चर जब हमने एसी एनालिसिस स्टार्ट किया था तो हमने यही सीखा था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हैंडल करते हैं। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस बेसिकली सेम कंसेप्ट हम थेवेनिन थ्योरम में अप्लाई करेंगे, या चाहे इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो चाहे डिपेंडेंट सोर्सेस हो। ठीक है, तो सेम सर्किट है आपके पास, कोई भी आपके पास लीनियर सर्किट है, सपोज अलीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टेज विद सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। दिस इज अ ओपन सर्किट वोल्टेज डिनोटेड एज अ वी टी एज थेवेनिन वोल्टेज, एंड दिस इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय द इंटरनल इम्पिडेंस। इस केस में क्या बोलेंगे हम, इंटरनल इम्पिडेंस, इंटरनल इम्पिडेंस डिनोटेड बाय अ जेड टी एच। राइट, तो सिंपली हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है आपके पास नॉर्टन के केस में। नॉर्टन के केस में क्या करते हैं हम, अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई अ करंट सोर्स, बेसिकली दिस इज अ शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स, शॉर्ट सर्किट करंट। ये हमें मेथड पता है कैसे कैलकुलेट करना है, पैरेलल विद अ इंटरनल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ नॉर्टन थ्योरम जनरली डिनोटेड बाय अ जेड एन, बेसिकली जेड एन इक्वल टू जेड ऑफ टी एच। सेम ही चीज है, इंटरनल रेजिस्टेंस ही है सर्किट का। ठीक है, उन टू टर्मिनल के अक्रॉस, ए एंड बी के अक्रॉस। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन अगर चेक करें, ये क्वेश्चन है आपके पास गिवन, तो बेसिकली सेम कंसेप्ट क्या करना है, यहाँ पर कोई भी आपके पास डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है जो कि आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो आप फाइनली बेसिक मेथड आप अप्लाई करेंगे थेवनिन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, वी टी एच बेसिकली क्या है, अक्रॉस दीज टू टर्मिनल ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द थेवनिन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए एंड बी। तो ए एंड बी के अक्रॉस हमें क्या कैलकुलेट करना है, थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट प्लॉट करना है। तो हम वी टी एच और आर टी एच कैलकुलेट करेंगे, सॉरी वी टी एच एंड जेड टी एच इन केस ऑफ ए सी एनालिसिस। जेड टी एच इज इम्पिडेंस, थेवनिन इम्पिडेंस। तो अब फाइनली अगर मुझे वी टी एच कैलकुलेट करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, प्लस माइनस ऑफ वी टी एच से रिप्लेस करते हैं, नॉर्मल के सी एल के वी एल रूल अप्लाई करते हैं, सिंपल जो भी आएगा उसके बाद वी टी एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपके पास वैल्यू क्वेश्चन में आंसर गिवन है। ठीक है, तो इससे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम स्विच होते हैं जेड टी एच पे। जेड टी एच एक बार इसका थोड़ा चेक कर लेते हैं। जेड टी एच में क्या करते हैं हम, जनरली
जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं उनको जीरो करते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि हम जो भी हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेस हैं उनको उनके आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस और इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, जीरो, एंड करंट सॉरी करंट सोर्स के केस में क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक, तो अब इनफाइनाइट जीरो, वोल्टेज सोर्स को क्या होता है, इंटरनल इम्पीडेंस जीरो, तो इसको हम क्या कर देते हैं, जीरो मीन्स शॉर्ट सर्किट और इनफाइनाइट मीन्स ओपन सर्किट। तो इसलिए हम करंट को सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देते थे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते थे। ठीक है, तो हम जेड टी एच करना है, तो जेड टी एच कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ वोल्टेज सोर्स अप्लाई है, तो आप टर्मिनल, सपोज टर्मिनल हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ड्रॉ करने का अगर आइडिया लग जाएगा आपको तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। सपोज हमने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया, नेक्स्ट इज इस टाइप से हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ इंडक्टेंस, इम्पीडेंस वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर 4 ओम, 8 ओम, माइनस ऑफ जे 6 ओम एंड जे ऑफ 12 ओम। तो आपके पास दो टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, ए एंड बी, ये दोनों ही टर्मिनल हैं, इसके अक्रॉस निकालना है। और जैसे ही आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया तो बेसिकली इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, तो हम डायरेक्टली इसको इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट कर दिया, तो अब अगर नोटिस करेंगे, अब हम और थोड़ा सिंप्लीफाई सर्किट ड्रॉ करते हैं। हमने क्या किया, ए टर्मिनल था, यहाँ से आपके पास कैपेसिटेंस है, देन दिस इज अ नोड, कॉमन नोड, ये वाला नोड है यहाँ पर, देन दिस इज अ 8 ओम, 8 ओम माइनस ऑफ जे 6 ओम एंड दिस वन इज अ 4, इसी नोड से अकॉर्डिंग क्या चल रहा है आपके पास, 4 ओम, 4 ओम एंड थोड़ा सा और सिंप्लीफाई और विजिबल प्रेजेंटेबल कंडीशन में इस नोड से हमने क्या किया, एक और सर्किट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया है, 4 ओम, और ये आपके पास क्या है, बी नोड, बी नोड, दिस इज अ इम्पिडेंस जे 12 ओम। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास सर्किट बन गया। तो आप इसको सिंपलीफाई जब करेंगे, टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों पैरेलल में, सिंपल पैरेलल में ऐड कर देंगे, जैसे भी इम्पीडेंस को ऐड करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी, कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, किस टाइप से हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को। सिमिलरली आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, फिर अगेन दोनों के रिजल्टेंट को सीरीज में है तो नॉर्मली ऐड कर देंगे, सपोज दिस इज अ इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड वन आ जाएगा, सपोज दिस इज अ जेड टू, तो फाइनली जेड टी एच क्या हो जाएगा आपके पास, जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करेंगे और आपके पास वैल्यू, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर गिवन है, मैच कर लीजिएगा आंसर। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर इसमें जब वीटीएच निकालेंगे ना अपन हाँ सर, तो इसमें एक तो आउटर लूप बनेगा हाँ ठीक है केवीएल के लिए सर, एक आउटर लूप बनेगा, एक इनर लूप बनेगा, ठीक है तो सर दो इक्वेशन आएगी अपने पास। हाँ ठीक है तो सर उसमें एक तो अननोन होगा, एक तो वीटीएच भी अननोन होगा ना। अच्छा ठीक है, इस आपका डाउट क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। देखो नील, क्या करते हैं, हमने सपोज आपके पास ये सर्किट है, अभी हम वीटीएच कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको, कैलकुलेशन यस सर, कंप्लीट नहीं करेंगे हम, कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। तो यस यहाँ सर, से यस सपोज ओके, यहाँ पर एक करंट ड्रॉ हुआ आई, यस सर, मैं ज्यूम के चल करके चल रहा हूँ, दिस इज अ करंट आई वन, यहाँ पर एक आई करंट वन चला गया आई वन, और यहाँ पर सपोज मैं मान के चल रहा हूँ आई टू। अभी मैंने केसीएल अप्लाई नहीं किया, आई माइनस आई वन नहीं लिखा, मैंने जनरली आई टू एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने केवीएल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करोगे यस सर,
तो कंप्लीट जब केवीएल अप्लाई करोगे यहाँ पर क्या वेरिएबल है आपके पास इस पूरे I1, सर्किट, I1। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, यस सर। ठीक है। अब मैं आपको दूसरा केवीएल एक अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ, आप केवीएल क्या करोगे, नेक्स्ट केवीएल आपने सपोज ये भी क्लोज लूप है आपके पास, यस सर, तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, I2, I2 आ गया, दोनों वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपके पास, मैंने क्या बोला है, दिस इज अ आई एंड दिस इज अ I1 एंड दिस वन इज अ I2, तो आपके पास I1 भी अवेलेबल है I2 भी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यस सर, ठीक है। ये टर्मिनल के अक्रॉस मैंने क्या वोल्टेज अज्यूम कर दिया आपके पास, VTH, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मैं केवीएल यहाँ पर लगाऊंगा तो क्या आएगा, VTH इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस माइनस आएगा, फिर इम्पीडेंस यस वैल्यू क्या है, -j6 इंटू यस सर, आई वन प्लस 4 इंटू I2, ये आ जाएगी वैल्यू VTH की वैल्यू, ओके सर, ओके, ठीक है। यस सर, I1 I2 आप कैलकुलेट कर चुके हो, कैलकुलेट यस सर, कर लोगे VTH, ओके सर, यस ठीक सर, है। तो फिर इस टाइप से आप इसको सिंपलीफाई करके चेक कर लेना, तो हो गया क्लियर अब। नील स्विच करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर, ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थेवनिन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल AB। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आंसर गिवन है ZTH और VTH गिवन है। थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट प्लॉट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक VTH की ज़रूरत है और सिंपल एक ZTH की ज़रूरत है। यहाँ पर ZTH वो आपको कैलकुलेट करना आता है नॉर्मली, दिस इज़ अ टर्मिनल ए एंड दिस वन इज़ अ बी, क्लियर है। तो इस टाइप से आप प्लॉट कर लेना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अब यहाँ पर देखिए चेंजेस क्या हुआ, सिर्फ मैंने आपको दो चेंजेस बताए थे लास्ट, देखो एसी और डीसी में चेंजेस क्या क्या बताए मैंने आपको, एसी में थ्योरम्स के केस में चेंजेस ये बताए थे, सुपर पोजिशन के केस में चेंजेस बताए थे कि अगर सपोज सर्किट के अंदर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी सोर्सेस हैं तो क्या होगा, सपोज हम, और हमें ये भी पता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे इंडक्टर है और आपके पास कैपेसिटेंस है, उनके जो इम्पीडेंस है, जैसे इसका इम्पीडेंस क्या बोलते हैं हम, J ωL, और इसका इम्पीडेंस क्या बोलते हैं, 1/J ωC। तो हम सुपर पोजिशन में क्या करते थे, हम 1 by 1 सोर्सेस को कंसिडर करते थे। सपोज हमने फर्स्ट सोर्स को कंसिडर किया, उसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास इंडक्टर का इम्पीडेंस भी अलग हुआ बिकॉज डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ओमेगा, एंड कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस भी डिफरेंट होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप रिजल्टेंट निकालेंगे। नेक्स्ट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर सेकंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, देन इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, फिर कंप्लीट सर्किट को सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी VO2, सपोज दिस इज अ VO2 VO1, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा VO, हम क्या करते थे, ऐड कर देते थे VO1 + VO2। तो हमने AC के केस में देखा कि आपके पास फ्रिक्वेंसी अगर चेंजेस है सुपर पोजिशन के केस में, तो इंडक्टर और कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही थी, उसके करस्पॉन्डिंग आपका रिजल्टेंट चेंज हो रहा था। तो इस टाइप से हम नॉर्मली सॉल्व करते थे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब मैक्सिमम पावर के केस में क्या, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है नील, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है बेटा, सर मैं अटेंड नहीं की थी सर उस दिन क्लास ही वाली। मैक्सिमम पावर थ्योरम, चलो ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम मैं बता देता हूँ क्या होती है। एक्चुअली मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है, मैक्सिमम पावर थ्योरम स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो
हमने डीसी में क्लियर किया था कंसेप्ट सारा, हमने थ्योरम पढ़ी थी आपके पास। अभी मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है तो मैं आपको नोट्स दिखा देता। अभी आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, उसमें देख लीजिएगा। लेकिन अब एसी के केस में अगर देखते हैं तो क्या चेंजेस क्या आए हैं, ठीक है। तो एक बार डीसी का और रिवाइज कर लेते हैं। डीसी में हमने क्या किया था, सपोज हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर सपोज इस टाइप से हमने कन्वर्ट कर लिया, इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं आरटीएच, और यहाँ पर सपोज एक लोड लगा हुआ है, लोड कुछ भी हो सकता है आरएल, जिसका रेजिस्टेंस क्या है आरएल। तो अगर हम ए डीसी में बात कर रहे थे तो हमने क्या था कि ये जो सोर्स है फाइनली, ये सोर्स ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डिलीवर करेगा जब ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाए, ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, आरटीएच। तो आर एल इक्वल टू आर टी एच हो जाएगा, तब ये सोर्स क्या करेगा, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा, ठीक है। अब हम एसी के केस में डिस्कस करते हैं। एसी के केस में कैसे डिस्कस करते हैं, एसी के केस में सेम कंसेप्ट मैंने आपके पास, क्या चेंजेस हो जाता है एसी में, बस आपके पास क्या आ जाएगा, इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, ये जो कंप्लीट सर्किट है, ये सोर्स रेजिस्टेंस है ए एंड बी, जेड एल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब पावर ट्रांसफर कब करेगा ये हम देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैन बी अप्लाई टू कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस सर्किट इफ द सोर्स इम्पिडेंस इज कॉम्प्लेक्स, सोर्स इम्पिडेंस कॉम्प्लेक्स है, देन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स व्हेन द लोड इम्पिडेंस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द सोर्स इम्पिडेंस। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हो रहा था, आर एल इक्वल टू आर टी एच, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जेड एल, जेड एल क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सोर्स रजिस्टर, सोर्स इम्पिडेंस और इंटरनल इम्पिडेंस। तो जेड एस का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन केस ऑफ एसी सर्किट। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्रूफ करते हैं इसको, कैसे किया हमने, आरएल और आरटीएच भी बेटा प्रूफ किया था नील, एक बार लेक्चर को देख लेना, वीडियो भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नोट्स के अकॉर्डिंग आप लेक्चर देख लेना, उसमें आपको वीडियो अवेलेबल है, उसमें से देख लेना किस तरीके से हमने प्रूफ किया था आर एल इक्वल टू आर टी एच। अब सपोज इस केस में देखते हैं, हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस अज्यूम किया, वो वोल्टेज सोर्स, सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स इम्पिडेंस एंड लोड, जिसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है ए एंड बी, ठीक है। तो हमें जनरली, हमने नॉर्मली हमने रेजिस्टेंस इम्पिडेंस अज्यूम कर लिया, आर एस प्लस जी एक्स एस, आर एल प्लस जी एक्स एल हमने अज्यूम कर लिया, आपके पास इम्पिडेंस अज्यूम कर लिया। अगर मैं आई एस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो आई एस क्या होगा, टोटल वोल्टेज वी एस डिवाइड बाई ओवरऑल इम्पिडेंस, ओवरऑल इम्पिडेंस क्या होगा, जेड एस प्लस जेड एल, जेड एस प्लस जेड एल करूंगा तो दिस इज अ जेड एस एंड दिस इज अ जेड एल, तो जेड एस प्लस जेड एल से डिवाइड किया तो आई एस आ गया। अगर मैं आई एस का मोड लेता हूँ, मोड मीन्स सिर्फ जस्ट मैग्नीट्यूड कंसिडर करता हूँ, तो मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, आपके पास वी एस का मैग्नीट्यूड वी एस ही रहेगा, वी एस डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वान्टिटी का ए प्लस जे बी अगर लिखा है तो अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल स्क्वायर क्या है, आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एस प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो हमने यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया फाइनली। अगर तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर इसके अक्रॉस जो करंट है वो मॉड ऑफ आई एस है, और पावर डिलीवर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर डिलीवर्ड करते हैं कैलकुलेट आर एल इंटू स्क्वायर, जैसे आई स्क्वायर आपके पास होगा ना, आई स्क्वायर आर होता है, तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, आई एस स्क्वायर डिवाइड इंटू आर एल, ठीक। अब हमने पावर डिलीवर कर दिया, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, मैक्सिमम। तो हम आई एस की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसको स्क्वायर, तो पावर का वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास पावर आई एस स्क्वायर आपने पुट किया तो वी एस स्क्वायर, और नीचे से अंडर रूट हट गया तो ये आपके पास वी एस स्क्वायर। तो
इस वैल्यू को हमें मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए आप ये नोटिस कर सकते हो आर एल या आर एस की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होती, आर एस एंड आर एल की वैल्यू तो कोई नेगेटिव में नहीं होगी, नेगेटिव में, तो ये क्वांटिटी तो हम कम नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेस और एक्सएल नेगेटिव में हो सकता है, क्योंकि एक की वैल्यू जे ओमेगा एल है, दूसरी की हम माइनस का जे ओमेगा एल लिख सकते हैं, माइनस साइन इसके केस में लगता है। तो हम अगर डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को मिनिमाइज कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी हो जाएगी। तो एक्सेस, अगर एक्सेस इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सएल हो जाए, सॉरी यहाँ पर हम एक्सएल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ अगर एक्सेस हो जाए तो ये पावर मैक्सिमम हो सकती है। एक केस तो ये बन गया, तो हम ये कंडीशन इसमें पुट करते हैं, एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेस हमने यहाँ कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेस हमने जैसे कंसिडर किया, ये वैल्यू हमने जैसे कंसिडर किया, यहाँ पर हम ये गलत लिखा है, इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेस, तो एक्सेल इन टर्म्स ऑफ एक्सेस कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम वैल्यू चेक करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, क्या लिखा है, इन द अबव इक्वेशन, इन द अबव इक्वेशन इफ आर एल इज फिक्स्ड, आर एल तो फिक्स्ड है, इज फिक्स्ड द वैल्यू पी इज मैक्सिमम व्हेन एक्सेस एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेस। ये रीजन क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को मिनिमाइज करेंगे तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये पावर आ गई इस टाइप से। अब आपको पता है कि जो आपके जेड एल है, लोड इम्पिडेंस है, वो क्या है आपके पास, आर एल प्लस जे ऑफ एक्सएल। आपने एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, बेसिकली एक्सएल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेस फॉर मैक्सिमाइज द पावर, ठीक। अब आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ आर एल, तो आर एल जब हम चेक करेंगे, ये हमने डीसी में इसी टाइप की कंडीशन बनेगी थी, और हमने जब सॉल्व किया था तो हमने चेक किया था आर एल क्या आता है आपके पास, आर एस, ये हमने डेरिवेशन कर चुके हैं हम। ये यहाँ पर डीसी की कंडीशन कंप्लीट, डीसी वाली कंडीशन बन गई है, और डीसी में हम ये डेरिवेशन कर चुके हैं, जब आर एल इक्वल टू आर एस होगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये डेरिवेशन आप वहाँ से देख लेना, वीडियो में देख लेना, प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ से आर एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आर एस। तो आपने आर एल की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली, आर एस, और जेड एल एक्सएल की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर ली, माइनस ऑफ एक्सएस। तो अब जेड एल की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो जेड एल की वैल्यू क्या हो गई, आर एस माइनस जे ऑफ एक्सएस, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, ये सिचुएशन बन जाएगी। तो जैसे ये सिचुएशन बनी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस, क्योंकि सोर्स रेजिस्टेंस क्या था आपके पास, आर एस प्लस जे एक्सेस। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बीच में कॉम्प्लेक्स टर्म क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये प्रूफ किया है कि यहाँ पर लिखा है, इन दिस केस द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। और सेकंड केस हम यहाँ पर कंसिडर कर ही चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ओवरऑल जेड एल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड एस, ठीक है। तो अब लास्ट हम थ्योरम को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा है, दिस मीन्स दैट, थ्योरम्स क्या स्टेट कर दिया, दिस मीन्स दैट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स व्हेन द लोड इम्पिडेंस जेड एल इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सोर्स इम्पिडेंस जेड एस, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो अब आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा एग्जाम में, क्वेश्चन बनेगा आपके पास, सपोज ये सर्किट आपके पास गिवन है, ये सर्किट गिवन है, तो आपके ये सर्किट गिवन है, फाइनली आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। तो लोड क्या है आपके पास, यहाँ पर जेड एल है, इस जेड एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जेड एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है आपके पास, सोर्स इम्पिडेंस, और सोर्स इम्पिडेंस किसके इक्वल होता है आपके पास, जेड ऑफ टी एच। तो जेड टी एच कैलकुलेट करेंगे, जेड टी एच जो भी, सॉरी जेड टी एच कैलकुलेट कर लिया, फिर जेड एल क्या हो जाएगा, जेड एल इक्वल टू हो जाएगा
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड टी एच। तो जेड टी एच कैलकुलेट करना आपके पास टास्क है बेसिकली। अब जेड टी एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्किट में क्या लगा हुआ है आपके पास, डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स के केस में मैंने क्या बताया था, जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस आपको जेड टी एच कैलकुलेट करना है, इस टर्मिनल के अक्रॉस कैलकुलेट करना है जेड टी एच। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे वी एस सपोज, और यहाँ पर एक करंट एज्यूम कर लिया आपने आई ऑफ एस, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं आप कुछ अलग नोटेशन दे सकते हैं, सपोज वी एस एंड आई एस ही दे दिया उन्होंने नोटेशन। तो फाइनली जेड एस क्या हो जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस क्या होएगा आपके पास, वी एस अपॉन आई एस। कंप्लीट सर्किट को नॉर्मल केसीएल केवीएल से सॉल्व कीजिएगा, किसी को शॉर्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा केस बन गया आपके पास, डिपेंडेंट सोर्स का केस बन गया। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो जेड एस आप कैलकुलेट कर लेंगे, और जेड एल मैंने आपको बता दिया, जेड एल इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड एस। तो जेड एल की वैल्यू आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा। नील कोई डाउट आ रहा है इसमें, क्लियर? सर तो नेक्स्ट सर रंजीत आवाज आ रही है बेटा, रंजीत माइक म्यूट करके बोलो बेटा। यस सर आवाज आ रही है। हाँ समझ में आ रहा है यार, ठीक हाँ सर है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस जेड एल फॉर मैक्सिमम पावर टू द लोड। फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड इम्पीडेंस जेड एल फॉर मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो अगेन आपके पास यहाँ पर हमने ये कंप्लीट इस टाइप से, आप इसे बॉक्स ही अज्यूम करना, दिस इज अ बॉक्स ऑफ जेड एल, बेसिकली जेड लोड इम्पीडेंस है ये। तो लोड इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करना है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर सोर्स टू अ लोड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस में आपके पास कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ऑल आर इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स को कैलकुलेट करने का सबसे इजी मेथड है, इन दोनों टर्मिनल को हम ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद इस टर्मिनल के अक्रॉस आप जेड एल कैलकुलेट करेंगे, और जेड एल कैलकुलेट करते टाइम जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हैं उनको ओपन कर देंगे, और जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट कर देंगे। तो फाइनली आपके पास इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आएगा, वो क्या आ जाएगा आपके पास, जेड ऑफ एस और जेड ऑफ टी एच। थेवनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं उसे, और सोर्स इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। फाइनली आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, जेड एल कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो जेड एल कैलकुलेट करेंगे कैसे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड ऑफ एस, जो कि आपको आंसर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, एक हमने डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आपको दिया है, और एक इंडिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन दिया है। क्लियर है अनुजा? अनुजा क्लियर है। हाँ, तो फाइनली आप असाइनमेंट कंप्लीट करो और सबमिट करो। अब अटेंडेंस ले लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर वो जो आपने जो सर वो बताया था ना, वोल्टेज सोर्स एज्यूम करते हैं और करंट एज्यूम करते हैं, जी सर वो ओनली डिपेंडेंट सोर्स के केस में होता है क्या सर? हाँ, डिपेंडेंट सोर्स के केस में हमने आप डिस्कस किया था बेटा, आरटीएच, हमने सर आरटीएच कैलकुलेट करना सिखाया था ना आपको, यस सर यस सर आरटीएच इन केस ऑफ सॉरी थोड़ा आरटीएच इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। हमने कितने के, तीन चार मेथड बताए थे आपको, वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, यस सर ठीक है, करंट सोर्स से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो उनमें से आप कोई भी मेथड आप अप्लाई करके वी और आई की वैल्यू कैलकुलेट किए, वी अपॉन आई कर दीजिएगा, या आप वोल्टेज यस सर को वन एंगल फेजर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो वी अपॉन आई फिर करना पड़ेगा, क्योंकि तो वी आप एज्यूम कर चुके हो वन एंगल ऑफ जीरो, आई की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आएगी वो वैल्यू रख देना यहाँ पर, तो
तो उसके करस्पॉन्डिंग जेड ऑफ टी एच आ जाएगा। ओके सर, ये सिर्फ करते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स के केस में। तो एक बार रिवाइज करोगे आपको कंप्लीट आ जाएगा, डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है नील, ओके सर, ओके ये सर, पॉप अप विंडो आ गई है, अब एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। आरू माइक प्रेजेंट अनम्यूट कर। सर, प्रेजेंट अनुजा, सनी, यस सर, प्रेजेंट गौरव, कर्नेल, सर, मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर, रजनीश, रंजीत, प्रेजेंट सर, विकास, ठीक है, थैंक यू।